दोस्तों अगर आप रियल स्टेट बिजनेस से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक रियल स्टेट डेवलपर का बिजनेस बंद क्यों हो जाता है। हाँ, एक रियल स्टेट डेवलपर का बिजनेस कुछ साल में बंद क्यों हो जाता है। मैं डॉक्टर अमोल मोरे, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट एंटरप्रेनर, जितने वीडियोस दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए ये सब बेस्ड है पूरी रिसर्च पे, बहुत सारे डेवलपर से, बिल्डर से बात करने के बाद, उनके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज से बात करने के बाद ये वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको वो पॉइंट्स पता चले, वो रीजंस पता चले कि एक रियल स्टेट डेवलपर की कंपनी बंद क्यों हो जाती है। वैसे तो ऐसे बहुत पैसे कमाते हुए दिखते हैं, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई बहुत सारा पैसा बिल्डर डेवलपर्स कमाते हैं, फिर वो कंपनी बंद क्यों हो जाती है, उसके पीछे के क्या लॉजिकल रीजंस है, क्या साइंटिफिक रीजंस है, को इस वीडियो में बताने वाले हैं। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत मदद करेंगे ये समझने में कि एक रियल स्टेट डेवलपर की कंपनी क्यों बंद हो जाती है। अगर आप एक फ्रेशर तो भी आपके काम के, एक बिल्डर डेवलपर मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, किसी भी तरह से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपकी ये वीडियो बहुत काम का है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रियल स्टेट डेवलपर फेल हो जाते हैं क्योंकि दे फेल ऑन कमिटमेंट, फेलिंग ऑन कमिटमेंट। अगर वो अपने कमिटमेंट में फेल हो जाते हैं, जो भी कमिटमेंट उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ किया, अगर वो कमिटमेंट नहीं निभा पाए, मान लो कि जब आपने प्लॉट बेचा था अपने लेआउट में, आपने कमिटमेंट किया था कि हम 2 साल में इस लेआउट को पूरा डेवलप कर देंगे, रोड बना देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, ये वो, और वो कमिटमेंट अगर आप समय पर नहीं कर पाए तो नहीं निभा पाए तो आपके क्लाइंट का आपके ऊपर से विश्वास कम होने लगता है। तो जब भी कोई रियल स्टेट डेवलपर अपने कमिटमेंट में फेल होता है, जो भी डिलीवरी उसने प्रॉमिस किया वो नहीं दे पाता है, तो लोगों का ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी कम होने लगता है और वहां से उस रियल स्टेट डेवलपर के बुरे दिन चालू होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, नो ROI टू ओल्ड क्लाइंट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते। नो ROI टू ओल्ड क्लाइंट मतलब कोई भी क्लाइंट अगर आपके लेआउट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इसीलिए ताकि उसको अच्छे रिटर्न मिले, लेकिन आपके 2 साल 5 साल 10 साल पहले के जो लेआउट जिस रेट में बेचे हैं, आज भी वहां किसी क्लाइंट का प्लॉट अगर रीसेल करने जाओ तो उस रेट में नहीं बिकता या उससे भी कम रेट में उसे बेचना पड़ता है। तो ये बहुत डेंजरस पॉइंट है जो एक रियल स्टेट डेवलपर की पूरी कंपनी को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जब तक आपके क्लाइंट का जो पर्पस था आपके साथ प्लॉट लेने का वो था उसके इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स मिलना, और अगर उसे वही नहीं मिल रहे, उस एरिया में ग्रोथ ही नहीं है, आपने बिना रिसर्च के एक लैंड ले लिया बहुत दूर सिटी से और लोगों को एक पूरा प्रोजेक्टेड सिनारियो बता दिया, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, लोगों के रेट नहीं बढ़े, तो उस केस में आपके नए आने वाले लेआउट पे लोगों को भरोसा नहीं होता और आपका बिजनेस 100% बंद होने वाला है। तीसरा, नो टीम एंड सिस्टम। अगर आपके पास टीम्स ही नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट में टीम्स की जरूरत होती है। एक बड़ी रियल स्टेट कंपनी चलाने के लिए 6 से 7 अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसके ऊपर डिटेल में हम वीडियो बता चुके हैं कि रियल स्टेट के 6 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, रियल स्टेट के 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये सब वीडियोज देखकर आपको समझ में आएगा कि एक रियल स्टेट डेवलपर की कंपनी में कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कैसे वो काम करते हैं। अगर आपके पास वहाँ अच्छी टीम्स नहीं है, आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, टूल्स नहीं है, स्ट्रैटेजीज आपकी अच्छी नहीं है, तो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब फैक्ट बेस्ड है, बहुत सारी रिसर्च के बाद हम आपको ये सब चीज़ें बता पा रहे हैं। आप अगर रिसर्च करेंगे तो दोस्तों आपको ये मिलेगा गूगल पे भी कि बहुत सारी कंपनी शुरू तो होती है लेकिन वो 10 साल 20 साल भी सरवाइव नहीं कर पाती, और बहुत ही कम 1% से 2% ऐसी रियल स्टेट कंपनी होती है जो 25-30 साल, अगर कोई बिल्डर है तो बिल्डरशिप का काम कर रहा है, अगर कोई डेवलपर है तो 30 साल तक लेआउट ही बना रहा है, ये बहुत कम होता है। कारण क्या होता है, यही वो रिसर्च बेस्ड कारण है जिसकी वजह से कंपनियाँ डूब जाती है। चौथा, ओवर बोरोइंग एंड रॉन्ग प्रोजेक्शन। अगर आप मार्केट से बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं आपको तो 50% प्रॉफिट होने वाला है इस प्रोजेक्ट में, और अगर आपने 2% महीने के हिसाब से भी लोगों से पैसा ले लिया तो आप वापस कर देंगे 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, उस केस में प्रॉब्लम होने लगती है, आपको रिटर्न देना डिफिकल्ट हो जाता है, और जब आपका प्रॉफिट कम होने लगता है, आपका जो कैपिटल है वो कम होने लगता है, तो उस केस में आपको आपकी कंपनी बंद करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता और लोगों का ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाता है। और एक और पॉइंट था रॉन्ग प्रोजेक्शन। जब आप रॉन्ग प्रोजेक्शन करते हैं, आपको लगता कि मेरे पास इतनी बड़ी टीम है 6 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 साल में भी खत्म नहीं होता, उस केस में आपके एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं, आपकी सैलरीज के ड्यू बढ़ने लगते हैं, आपके ऊपर मिसलेनियस कॉस्ट बढ़ने लगता है। ये सब चीजें जब आपके ऊपर बर्डन बनाती है, स्ट्रेस और टेंशन आने लगता है, आगे जाके कंपनी को चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ लीगल एंड सैंक्शनिंग नॉलेज। अब आप बोलेंगे मैं डेवलपर हूं क्या मुझे नॉलेज नहीं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीजें ऐसी पता करनी होती है जो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम दे सकती है। आपने लैंड का कितने साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, पिछले 25 साल का, 30 साल का, 50 साल का, कि भाई वो लैंड किसने किससे लिया था, किसने किसको बेचा था और आपने किससे लिया। अगर आपने पुराने 1-2 ट्रांजेक्शन चेक किए, और हो सकता है कि जब 3 ट्रांजेक्शन पहले कुछ गलतियां थी, इन केस उस पुराने रिकॉर्ड को आपने चेक नहीं किया, या मान लीजिए कि किसी बहुत एक्सपर्ट लीगल प्रॉपर्टी लॉयर की या प्रॉपर्टी
कंसल्टेंट की आपने हेल्प नहीं ली, उस केस में भी आपका लीगल एंड सैंक्शनिंग का अगर कुछ भी गलती हो गई और आपके कस्टमर को सही समय प्रोडक्ट नहीं मिला, या मान लीजिए कि आपने जहां जगह ली है वहां से कोई और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ गया और आपके लेआउट के बीच में से ही वो रोड चला गया, तो कई लोगों के प्लॉट कट जाएंगे, उस केस में उनको पोजेशन सही समय पर नहीं मिलेगा, डिलीवरी नहीं मिलेगी, तो वो मार्केट में आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे। दोस्तों देखिए, जब भी आप जो प्रॉमिस करते हैं, जो कमिटमेंट निभाते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में, अगर वो डिलीवर नहीं हो पाता है तो लोग आपका नेगेटिव पब्लिसिटी करना शुरू कर देते हैं। और आज तो सोशल मीडिया के ज़माने में और ज़्यादा लोगों को ऑप्शंस अवेलेबल है। उस केस में एज अ डेवलपर जब आपकी ब्रांड इमेज खराब हो जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है, तो आप चाह कर भी अपने बिजनेस को और ग्रो नहीं कर पाते, आपको मजबूरन अपनी कंपनी और अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता है। अगर आप इन सबका सोल्यूशन चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट कोच या ट्रेनर की हेल्प लेनी होगी, या किसी ऐसे डेवलपर के बिल्डर के उसे अपना मेंटर बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी कोच या ट्रेनर से ही सीखिए, हो सकता है कोई ऐसा बिल्डर हो जो 30 साल से काम कर रहा हो, एक ऐसा डेवलपर जिसने 40 साल लेआउट्स बनाए हो, उनसे पूछिए उन्होंने क्या अच्छा किया, उनसे क्या गलतियां हुई। आपके मार्केट में ऐसे लोगों को सर्च कीजिए, उनका नॉलेज गेन कीजिए और उस नॉलेज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके कोशिश कीजिए कि आप अपनी डेवलपमेंट कंपनी को, अपने रियल एस्टेट डेवलपर के प्रोजेक्ट्स को और कंपनी को और ग्रो कर सके। दोस्तों आज तक हमारी वीडियोस देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई और टॉपिक पे आप हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेशन की हेल्प की जरूरत है, किसी कोच या ट्रेनर को आप हायर करना चाहते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।